साढ़े दो मिनट बाद देता हूँ, कोई और भी आने वाला है, फिलहाल एक गिलास ठंडा पानी दो। हमेशा लेट, हमेशा। तो ये सच? सॉरी गिरीश, आज फिर से मेरा इंतजार करना पड़ा ना? आज क्या, मैं तो हमेशा से करता आ रहा हूँ। कहाँ फंस गई थी तुम, इतना टाइम लगा दिया आने में? फंसने के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। बड़ी मुश्किल से छुप छुप के मिलने आई हूँ मैं। क्या हुआ? मेरे पति घर पर थे, जब वो ऑफिस के लिए गए तभी तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, पर कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? एक ना एक दिन तो किसी को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा ना। आज तक नहीं पकड़े गए, तब कौन पकड़ेगा? मुझे डर लग रहा है, कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? तुम्हारे पति को शक तो नहीं हो गया ना तुम पर? नहीं, उन्हें मुझ पे शक तो नहीं है, पर बहुत विश्वास करते हैं वो मुझ पे। हे भगवान, मर गए। क्या हुआ? मेरे पति का फोन है, अखिल का फोन है। फोन उठाओ और उसको बोल दो कि अचानक मुझे निकलना पड़ा किसी मीटिंग के लिए। अरे फोन उठाओ नहीं तो उसको शक हो जाएगा, और कुछ भी बहाना बना दो। हेलो, कहाँ हो डार्लिंग? अखिल, मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ बिजी, क्या काम आ गया अचानक? सुबह तक तो कुछ भी नहीं था। नहीं, वो अचानक से एक मीटिंग आ गई थी, उन लोगों का फोन आया तो मुझे आना पड़ा। अचानक मीटिंग? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं फ्री होते तुमसे मिलने आऊंगी। पक्का? जल्दी आ जाओगी ना? हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या इंतजार करोगे? क्यों, ऑफिस नहीं गए थे क्या? नहीं गया था, मगर आज जल्दी आ जाऊंगा। बाय, टेक केयर। गिरीश, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। क्यों, क्या हुआ? अखिल आ रहा है ऑफिस से, वो जल्दी छूट रहा है। चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो, जल्दी चलो। मैं जल्दी घर पहुंचना तुम्हारे पति से पहले। फिर कब मिलेंगे? कोशिश करूंगी कि जल्दी मुलाकात हो हमारी। जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। जो बात डिस्कस करनी थी वो तो अधूरी रह गई। डिस्कशन? इसमें डिस्कस क्या करना है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं भी ये चाहता हूँ, मौका आता है तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बस एक बात का ख्याल रखना गिरीश, जब तक पूरी सेटिंग नहीं हो जाती तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना, और अगर कोई अर्जेंट बात करनी हो तो एक कॉल कर देना बस। ठीक है, बाय। थैंक्स। ओके बाय। बाय, तुम जाओ यहाँ से, अगर अखिल आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात तो बताना भूल गया मैं। क्या? बोलो। अगली बार से हम दूसरी जगह मिलेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम अगर ऐसे घबराओगे ना तो हमारा बांडा फूट जाएगा। थैंक्स, ठीक है, चलो चलो, बाय। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को छुप छुप के मिलना। मेरी पत्नी होकर उससे मीटिंग में ये सब चल रहा था, मीटिंग के बहाने इतना बड़ा धोखा।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा स्नेहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हेलो होटल कंफर्ट फाइव, मुझे एक रूम बुक करना है स्नेहा और गिरीश के नाम पे। कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो भी स्नेहा भाभी पे चेक करने के लिए। क्या मजाक है यार ये, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू अपनी बीवी पे इस तरह से चेक करेगा। और आखिरकार तू ये सब करके साबित क्या करना चाहता है? बंद कर यार इसे। देख मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सबको बंद कर दे। वरना क्या क्या करोगे? वरना कुछ नहीं यार, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अरे मुझे नहीं देखना तेरा घटिया सा खेल यार। घटिया खेल नहीं है ये, आगे आगे देख, असली मजा तो अब शुरू होगा इस खेल का। फिर क्या हुआ? अरे होगा क्या, उसके पति ने हंगामा को शुरू कर दिया, तमाशा शुरू हो गया, लोग उस पर हंस रहे थे। खैर जाने दे, बड़े लोगों में तो ये फैशन है। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो स्नेहा। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम? इस रूम को खोलो। देखिए सर, हम किसी का दरवाजा ऐसे ही नहीं खोलते। स्नेहा, देखिए भाई साहब, आप इतना चिल्लाइए मत, यहाँ पे और भी गेस्ट हैं। मैं जानता हूँ कि इस होटल में क्या चलता है, समझे? और तुम लोग मुझे मत सिखाओ, चुपचाप से दरवाजा खोलो। देखिए सर, ये रूम किसी के नाम से बुक है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मेरी बीवी अंदर है और मुझे उससे मिलना है। अगर तुम लोग ये दरवाजा अभी नहीं खोलोगे ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? आप नाराज मत होइए, हम चाबी मंगवा देते हैं। देखिए सर, मैं चाबी ला रहा हूँ, प्लीज कोई तमाशा मत कीजिए प्लीज। वैसे आपको पता कैसे चला कि वो इस कमरे में? इससे, इस लैपटॉप से, मैं सब देखता है क्या? इसमें सब कुछ पता चल जाता है। चाबी ले स्नेहा, ड्रामे से पर्दा उठ चुका है, सामने आओ। कहाँ छुपी हो तुम? क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे आपकी बीवी अंदर है, यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे लैपटॉप पे देखा, वो इसी कमरे में थी। देखिए सर, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितने दिखते हैं। अगर आपकी बीवी यहाँ होती तो दिखती ना। वो यहीं पे थी, इसी कमरे में थी वो। बीवी शायद बीवी नहीं है, हवा है, हवा में गुल हो गई होगी। आप सबको ये मजाक लग रहा है, हवा में कैसे घुल हो सकती है? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे अपने आंखों से यहाँ देखा है, वो इसी कमरे में थी। चलिए सर प्लीज, क्यों अपने और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर, प्लीज। देखिए
मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातों को यकीन मानिए, मैंने मैंने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा। विश्वास क्यों नहीं मान रहे मेरा? सर प्लीज आइए, हटो, हटिए हटिए हटिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ सर? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर, कोई परेशानी? मैनेजर साहब, मेरी बीवी आई थी यहाँ कुछ देर पहले, मगर वो यहाँ नहीं और ना ही यहाँ से बाहर गई। सर आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो यहीं कहीं होंगी, आप उन्हें बाहर देख लीजिए या नीचे हॉल में देख लीजिए। मैंने सर मैंने हर जगह चेक कर लिया, मगर वो कहीं पे भी नहीं। सर वो अकेली है या उनके साथ कोई, आई मीन कोई बच्चा वगैरह? कोई बच्चा तो नहीं है, मगर उसके साथ एक आदमी था, उसका नाम गिरीश है। सर फिर घबराने की क्या बात है सर, आप पूल साइड में देख लीजिए, वो वहाँ होगी। अरे आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने उसे हर जगह चेक कर लिया मगर वो कहीं पे भी नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी बीवी को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे सीआईडी को कॉल करना चाहिए। सर 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 प्लीज प्लीज ये मत कीजिए सर, हमारे होटल की बहुत बदनामी हो जाएगी सर, प्लीज सीआईडी को फोन मत कीजिए प्लीज। नहीं अब तो मैं सीआईडी को कॉल करके ही रहूंगा। सर 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 देखिए, हेलो आइए, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। तुम्हें अकेले? हाँ सर मैं अकेले, और मैंने आपको कॉल किया। क्या हुआ, क्या है यहाँ? सर इन लोगों ने मेरी बीवी स्नेहा को गायब कर दिया है। सर ये आदमी पागल हो गया सर, कुछ भी बोले जा रहा है सर, अजीब अजीब बातें कर रहा है। सर आप इसकी बातों में मत आइए सर। देख आपकी बीवी यहाँ से गायब हो गई, एग्जैक्टली कहाँ से? सर मैंने अपनी बीवी को कमरे में घुसते हुए देखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। नेहा कमरे में गए उसके बाद गायब, ये कैसे हो सकता है? सर देखा आपने, ये आदमी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है सर, हम इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है कि इसकी बीवी को हमने गायब कर दिया। भला सर हम इसकी बीवी को क्यों गायब करेंगे सर, कैसे गायब करेंगे सर? ठीक है ठीक, हम लोग वो कमरा देखना चाहते हैं जहाँ पे इनकी बीवी गायब हुई, दिखाइए जरा। आइए सर, आइए सर। एक्सक्यूज मी एक मिनट प्लीज। सर ये रहा वो कमरा, सर वो इसी कमरे में थी और यहाँ से बाहर भी नहीं गई। सर मैं क्या समझू सर, स्नेहा को गायब इन लोगों ने ही किया। सर ये आदमी बकवास कर रहा है सर, आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। सर आप इसकी बात सुनिए प्लीज, वहां खड़े हुई जाइए बात। तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली थी या? नहीं सर अकेली नहीं थी, उसके साथ गिरीश भी। गिरीश? ये गिरीश कौन है? मेरी बीवी का दोस्त। अच्छा, और मैंने उन दोनों को अंदर साथ आते हुए देखा था। ये दोनों जब कमरे के अंदर आए तब तुम कहाँ थे? सर मैं होटल के बाहर था। बाहर मतलब? सर वो मैं होटल के पार्किंग लॉट में था। तुम बाहर पार्किंग लॉट में थे, तो फिर इन लोगों को कमरे के अंदर आते हुए कैसे देखा तुमने? सर ये कुछ छिपा रहा है सर, बात कुछ और ही है। क्या बात क्या है बताओ? सर वो बात ये है कि मुझे अपनी बीवी स्नेहा पर शक था कि उसका अफेयर गिरीश के साथ चल रहा है, तभी मैंने ये कमरा बुक किया था ताकि मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। सर इसीलिए मैंने ये कैमरा भी लगाया था, और उन दोनों को फोन करके भी मैंने ही बुलाया था सर। कैमरा यहाँ पे फिट कर रखा है तुमने? अच्छा तो तुमने ये कैमरा लगाया ताकि तुम बाहर से देख सको कि इस कमरे में क्या हो रहा है। हाँ सर। जरा हमें भी दिखाओ वो रिकॉर्डिंग, हम भी देखें इस कमरे में क्या हुआ, कैसे गायब हुई तुम्हारी बीवी। अब आइए मेरे साथ, आइए। ये कहाँ चले गए? सर यही तो पता नहीं चल रहा है, मैंने उन दोनों को हर जगह तलाश किया मगर स्नेहा और गिरीश कहीं नहीं। चक्कर क्या है? कहाँ गायब हो गए दोनों? बाहर भी तो नहीं गए सर, अगर जाते तो कैमरे में जरूर दिखते। कहीं इसी कमरे में तो नहीं है दोनों? इस कमरे में? अरे सर ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। रेडी, इस कमरे को अच्छी तरीके से छान मारो, कुछ तो हुआ है यहाँ पे।
कांच के टूटे हुए टुकड़े। मैनेजर साहब, ये कमरे की सफाई नहीं होती है क्या? सर, जैसे ही कोई कमरा खाली होता है तो सर हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई करवाते हैं। और वैसे भी सर, किसी गेस्ट ने कभी कोई कंप्लेंट की नहीं साफ सफाई के बारे में। तो ये कांच के टुकड़े यहाँ बेड के पास क्या कर रहे हैं? पता नहीं सर, हमने तो पूरे कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई करवा के दिया था। सर, हो सकता है गिरीश और स्नेहा के साथ कुछ हुआ जिसमें ये कांच वगैरह टूटा हो। हाँ फ्रेडी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा और दोनों इस कमरे से गायब कैसे हो गए, कैसे पता चलेगा? सर, कोई यहाँ पे चुपके तो नहीं बैठा था? दोनों का खून तो नहीं कर दिया किसी ने? क्रेडिट, सिर्फ खून देख के ये मान लेना कि दोनों का खून हो गया है थोड़ा जल्दी होगा। जब तक लाशें ना दिख जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए तो आपने यहाँ कमरे में किसी को देखा क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर। कमाल है, एक बंद कमरे में से दो लोग गायब हो जाते हैं और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। मैनेजर साहब, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, जो आपका ये होटल का कमरा है ये काफी नया है, काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो एसी है ये इतना पुराना क्यों है? सर, वो एसी खराब है सर। वैसे प्लेट एसी लगाया सर कमरे में। अच्छा अच्छा जी, प्लेट एसी लगाया हुआ है फिर भी वो एसी लगा के रखा है जो काम नहीं कर रहा है जी। कमाल है। ये क्या, यहां से तो सब खुला हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा और गिरीश यहीं से बाहर निकले? हो सकता है, एक आदमी के जाने लायक जगह है यहां से। चल के नीचे चल के देखते हैं, समझे? रेडी, तुम ये रुको, हम लोग नीचे देख के आते हैं। अगर कोई यहां से कूदता तो कुछ पकड़ के ही कूदता ना, रस्सी वगैरह, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रस्सी बांधने की जगह भी नहीं है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कूद के ही भागा हो? नहीं विवेक, दो मंजिल से कूदना इतना आसान नहीं है, हाथ पैर टूटने के चांसेस हैं। हाँ सर, ये जो शेड है एसी के ठीक नीचे है, अगर कोई कूदता तो ये शेड भी टूट जाता। हाँ सर, शेड को कुछ नहीं हुआ है। एक तो इसका मतलब साफ है, ना तो कोई यहाँ से कूदा है और ना यहाँ से भागा है। तो सर फिर एग्जैक्टली उस कमरे में हुआ क्या होगा? ये तो उस कमरे से ही पता चलेगा। लेट्स गो। पीछे प्लीज। अगर कोई पीछे से नहीं भागा है और सामने के दरवाजे से नहीं भागा है तो ये दोनों गए तो गए कहाँ? और अगर खून हुआ है तो उनकी लाशें कहाँ हैं? सर, मैं दो मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, एक कोने में जाके खड़ा हो जाता हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ, फिर बताऊंगा कि लाश कहाँ पे छुपा के रखी है। रेडी, घोड़े जरा धीरे भगाना, ज्यादा तेज भगाओगे तो कमरे से बाहर चले जाएंगे। मेरे घोड़े सर कमरे से बाहर कैसे भागेंगे? अरे यार, तुम अपने घोड़ों को लगान दो, समझे? स्प्रे करो, स्प्रे करके देखो, अगर कबर्ड में खून मिला है तो कहीं और भी खून मिलना चाहिए। ओके सर। सर, यहाँ पे भी खून है। बेड पे खून? ये बेड चेक करो सर। सर, मैंने बेड अच्छी तरह से चेक किया सर,
ये तकिए और गद्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, फिर से चेक करो। इसके नीचे कुछ है, इसको निकालने का इंतजाम करो। या दोनों तो यही मरे पड़े हैं। स्नेहा, प्लीज आप हाथ नहीं लगा सकते, संभालिए अपने आप प्लीज। सर हाँ, गोली मारी है दोनों को। गोली मारी है? पेड़ को देख के ऐसा लग रहा है सर लाशें छुपाने के लिए बनाया गया है। एक काम करो फ्रेडी, डॉक्टर साड़ुंखे और तारिका को यहाँ पे आने के लिए कहो, बोलो उनकी यहाँ पे जरूरत है। और इस पूरे होटल के बेड चेक करो, देखो ऐसा बेड किसी और कमरे में है क्या? ये स्पेशल बेड यहाँ पे आया कहाँ से? नहीं नहीं सर, बाहर का कोई आदमी सर इस तरह बेड लेकर अंदर कैसे आ सकता है सर? बाहर का आदमी नहीं है तो फिर कोई अंदर का आदमी होगा, बेड तो आया है ना। अगर अंदर का कोई आदमी होता सर तो इतना बड़ा बेड लेकर अंदर आता तो हमको मालूम जरूर पड़ता सर। बाहर का नहीं है, अंदर का नहीं है, तो फिर ये बेड अंदर आया कहाँ से? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ सर कि ये आया कैसे? कमाल के आदमी हो तुम, इस होटल के मैनेजर हो तुम, शर्म नहीं आती उल्टी सीधी बातें करते हुए? दो खून हुए हैं यहाँ पे, समझे आप? सर मैंने होटल के सारे कमरे चेक किए सर, पूरे होटल में ऐसा और कोई भी बेड है ही नहीं सर जिसमें लाश छुपाने के लिए जगह है। अब बोलिए कहाँ से आया ये स्पेशल बेड, कहाँ से आया? सर पिछले साल हमारे होटल में काफी रेनोवेशन का काम हुआ था सर, हो सकता है उस वक्त किसी ने चुपके से ये बेड बना दिया हो सर और हमारा ध्यान उस तरफ ना गया हो सर। कमाल है, ये रेनोवेशन का काम किसने किया? सर हमारा एक आदमी है सर, हमेशा रेनोवेशन का काम हम उसी को देते हैं सर। बुलाओ सर। वो यहाँ नहीं है सर, वो तो अपनी दुकान पे होगा सर। मलाड़ में है सर, केपी कारपेंटर्स। केपी कारपेंटर्स, कितना काम बाकी है मालूम है? तो भेजना है काम के लिए, सारा काम बढ़ा के देना है। ठीक से काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोई काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों का। अरे सुनो ये सर, ये कंफर्ट बाय होटल के रेनोवेशन का काम तुम ही करते हो ना? हाँ सर, पिछले 10 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ पूरा काम। लकड़ी का काम? हाँ सर। और उसके साथ साथ लाशें रखने की जगह भी बनाते हो? लाशें रखने की जगह? हाँ, लाशें रखने की जगह बेड के अंदर। साहब ये क्या कह रहे हैं आप, बेड के अंदर लाशें? हाँ लाशें, दो लाशें, देखो दो खून हुए हैं और उनकी लाशें तुमने बनाई हुई बेड के अंदर छुपा के रखी थी। बताओ किसने कहा था तुम्हें ये बेड बनाने के लिए? नहीं साहब, हमने ऐसा कोई बेड नहीं बनाया, हम गलत काम करते ही नहीं साहब। ए, झूठ बोलता है? हा? नहीं साहब, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप चाहें तो हमारे पुराने कस्टमर को बुलाकर पूछ सकते हैं, हम कभी गलत काम में हाथ नहीं डालते साहब। सेठ मैं अभी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मेरे गाँव से कुछ रिश्तेदार आए हैं, अंधेरी स्टेशन पर खड़े हैं, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले कोई रिश्तेदार नहीं आया था और ये बताना कहाँ से आ गए? रिश्तेदार को लेने जा रहे हो या भागने की तैयारी कर रहे हो? भागने की तैयारी? हाँ भागने की। ए, किसने बोला था तुझे बेड बनाने के लिए, बताता कि लगाऊं? मैं तो उसे जानता भी नहीं साहब, 2 दिन पहले ही फोन पर बात हुई थी, उसने कहा था कि वो मुझे 1,500 देगा अगर मैंने बेड बनाया तो। एक बात बता, ये बिना आवाज किए तुमने बेड बनाई कैसे? देर रात में जाता था जब सब लोग सो जाते थे, आराम आराम से काम करता था ताकि किसी को आवाज ना आए। अच्छा, कमरे की चाबी थी तुम्हारे पास?
जी साहब, वो कमरे के बाहर मैट के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। मैट के नीचे? अच्छा, इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, ये काम किसी अंदर की आदमी का है, होटल के अंदर का। जेल में सड़ेगा तू। ले चलो इसे। मैनेजर साहब, शायद आपको एक बहुत बड़ी बात पता नहीं है, ऐसी बात जो आप लोगों के नाक के नीचे हुई है और आप लोगों को पता नहीं चला। हमारी नाक के नीचे हुई है और हमें ही पता नहीं चला? हाँ, आप लोगों के नाक के नीचे और अभी भी हुआ है। वो बेड जिसमें दो दो लाशें मिली है, वो दो दिन पहले बना है। दो ही दिन पहले बना है, ये कैसे हो सकता है सर? और हमें कैसे पता नहीं चला? दो दिन पहले उस कमरे में कौन ठहरा था? सर अभी बताता हूँ। होटल के स्टाफ में से कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से कमरे में आता जाता रहता है। ऊपर से हर रोज सुबह सफाई वाले आते हैं, किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ, कारपेंटरी का इतना बड़ा काम हो रहा था कमरे में। सर मैं इन सब की खबर लूंगा सर, छोड़ूंगा नहीं किसी को। इस होटल के अंदर अगर एक कील भी लगती है तो हमें पता चलना चाहिए, और यहाँ इतना बड़ा बेड बन गया। तुम लोग सुन रहे हो ना, ना करते क्या रहते तुम लोग? सर ये राहुल कुमार के नाम से बुक था ये कमरा। कौन है ये मिस्टर राहुल कुमार? नहीं मैडम, मालूम नहीं। अखिल तुम जानते हो कौन है राहुल कुमार? नहीं, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, तो इसका फोन नंबर देना। जी सर, ये 1807654300। We're sorry, please check the number and dial again. गलत नंबर है। लेकिन यहाँ तो यही लिखा है सर। गलत नंबर लिखा था राहुल ने, सर पता भी गलत होगा। हाँ, पहले से सोच समझ के आया था खून करने के लिए, इसलिए पहले से ही झूठ लिखवाया सब कुछ। अच्छा, उसका चेहरा याद है, दिखने में कैसा था? चेहरा ना, हमारे होटल में सर इतने कस्टमर्स आते हैं, सबके चेहरे तो हम याद नहीं रख सकते सर। दया, चेक कर लिया बॉस? क्या पता चला? बॉस ना तो इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, ना ही खुद ने मारा है, ये किसी तीसरे का काम। मगर सर खूनी कमरे से बाहर भागा कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए विश्वास नहीं हो रहा कि खून किसी तीसरे आदमी ने किया है। हमने दोनों लाशों के हाथ अच्छी तरह से चेक किए दया, जरा भी गन पाउडर नहीं मिला। इसका मतलब है दोनों में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई, और तीसरा आदमी कोई कमरे में था नहीं। था, तीसरा था बस, और उस तीसरे ने बहुत ही नजदीक से गोली चलाई। अगर कोई तीसरा था तो फिर वो कमरे से बाहर भागा कैसे? डॉक्टर साहब, कुछ और पता चला इसके अलावा? मैं लाशों को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। यू कैरी ऑन। सर, सर पता चला किसने मारा मेरे पति को? किसने मेरे पति की हत्या की? यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जल्दी पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। अखिल, तुम्हारे शक की वजह से दो दो लोगों की जाने गई हैं। इसने, अखिल ने मारा मेरे पति को? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैम, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए इसे। मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पति यहाँ करने क्या आया था? वो यहाँ किसी बड़े काम से आए थे, तुम्हें तो पता है ना कि स्नेहा एक जर्नलिस्ट थी। क्या? स्नेहा जर्नलिस्ट थी? हाँ सर। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर वो मैं आपको बताने ही जा रहा था। सर शायद स्नेहा को किसी गलत काम के बारे में पता चल गया होगा सर, कोई बड़ा स्कैम, यही बात बताने वो गिरीश के पास आई थी। और शायद उसी वजह से उनकी जाने गई हैं। अखिल तुम्हें कुछ मालूम है स्नेहा को किस बात के बारे में पता चला होगा? ऐसा कौन सा गलत काम के बारे में पता चला उसे जो वो गिरीश को बताने के लिए यहाँ पे? कुछ कहा स्नेहा ने तुमसे? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात के बारे में मुझे नहीं पता। कमाल है, स्नेहा तुम्हारी बीवी थी और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फिर से कमरा देखते हैं। अखिल ने गिरीश और स्नेहा को फोन करके यहाँ पे बुलाया था, और साथ साथ इसके बारे में किसी और को पता चल गया? जिसे भी पता चला है सर वही खूनी है सर। मगर किसी को पता चला कैसे? अखिल ने तुमसे कहा कि उसने किसी को बताया नहीं अपने प्लान के बारे में, ये उसने हमसे कहा। से खूनी अखिल का ही कोई आसपास का आदमी है जो यहाँ कमरे में पहले से छुपा होगा, और जैसे ये दोनों बिचारे आए फंस गए। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर अखिल अपने लैपटॉप पे बैठ के सारा नजारा देख रहा था तो फिर वो आदमी अचानक गायब कैसे हो गया सर? उसे जाते हुए किसी ने देखा किसी नहीं? कैमरा लगा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग अखिल अपने लैपटॉप पे कर रहा था। जरा देखो उस लैपटॉप पे क्या।
इसमें तो अखिल है, होटल में काम करने वाले लोग हैं, थोड़े गेस्ट हैं। एक मिनट, इसको जरा रिवाइंड करके देखते हैं। ये अखिल यहाँ पे हंगामा कर रहा है, ये भीड़ इकट्ठा हुई, और ये पैर यहां से बाहर निकला है। ओह, कबर्ड के अंदर में खून मिला था, इसका मतलब ये आदमी कबर्ड के अंदर बैठा हुआ था, खून इसने किया है, यही खूनी है। लेकिन सर, इसके तो सिर्फ पैर दिख रहे, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि ये खूनी कौन है? अरे, इस जूते से पहचान लेंगे हम इसे, यही काफी है। एक काम करो, इस होटल में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, गेस्ट हैं, सबको लॉबी में इकट्ठा करो, हम उसे इस जूते से पहचान लेंगे। आप लोग चुपचाप खड़े हो जाइए। हमें सबके जूते चेक करने, समझे? सर, जूता चेक करना है तो खूनी का चेक करो, हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? खूनी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। क्या? खूनी को पकड़ने के लिए हमें सब करना पड़ रहा है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपने अपने जूते दिखाए, प्लीज रेडी। शुरू करो। यस सर। नहीं, पैर दिखाई? नहीं। ये वाले? नहीं। पैर आगे लाइए प्लीज। नहीं। से पैटर्न? नहीं। पैर दिखाइए प्लीज। नहीं। ये जूते का? नहीं। सर, सबके जूते चेक कर लिए, किसी के भी मैच नहीं हो रहे, अब क्या करें सर? इनमें से किसी का भी जूता मैच नहीं हुआ है, तो अब बचता है सिर्फ वो मैनेजर। हाँ सर, बाकी तो सभी यही है। हाँ, तो मैनेजर का बच्चा गया कहाँ? तुम्हारा वो मैनेजर कहाँ है? सर, वो किसी कैसे मिलना गए सर? कैसे मिले? चला रूम नहीं मिल सकता, इतना बड़ा होटल है, क्या मतलब है आपका? देखिए, हम मजबूर हैं, एक्चुअली सीआईडी हमारे होटल में कुछ पूछताछ कर रही है। तो हमारी क्या गलती है, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। ठीक कह रहे मैनेजर साहब, दो दो खून हुए इस होटल में, और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि खूनी कौन। खूनी का पता चल गया? जी हाँ, जूतों से। जूते से? आप जरा ये कैमरा की रिकॉर्डिंग देखिए, इसमें जो जूता है वो किसका है बताइए। क्या हुआ मैनेजर साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया जूता देखकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है ना कि आज सुबह से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ है, मैं काम पे भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं जरा 2 मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये गया और ये आया। हाँ बिल्कुल, प्लीज। जितना तैरना, कोई खाई नहीं है, थक जा तो बता देना।
ले के सर गोली कर ली से मैं आया उपरा बोल कैसे मारा गिरीश और नेहा को बोल मैं पहले से ही कमरे में था जब गिरीश और स्नेहा वहां आए तो मैंने उनका खून कर दिया उनकी डेड बॉडी को बेड में छुपा दिया और फिर जाकर खुद कबर्ड में छुप गया सुधार कैसे है कबर से जैसे ही अखिल चिल्लाने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए और मैं भीड़ का फायदा उठाकर धीरे धीरे लोगों में शामिल हो गया मैं फिर से अंदर आ गया और लोगों से बातें करने लगा और किसी को पता भी नहीं चला प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की मगर इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिले भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा स्नेहा पे शक करके बहुत बड़ा पाप कर दिया मेरी वजह से स्नेहा की जान गई ये मैंने क्या कर दी अपनी बीवी की मौत का कारण मैं ही बन गया अखिल भैया कैसे हो गया ये किसने मारा भाभी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैंने भी नहीं देखा उसे लक्ष्य मगर लगता है कि सीआईडी ने उसे पकड़ लिया पकड़ लिया हाँ कौन है वो कुछ तो बताया होगा ना सीआईडी ने बता भी देंगे और दिखा भी देंगे समझे आप लोग सीआईडी खून किसने किया बताओ सर एक बार बता दीजिए सर मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा अरे नहीं ये तो थोड़ा मुश्किल है सर एक बार आप उसे मेरे हाथों में देके तो देखिए सर अच्छा चलो दे दिया तुम्हारे हाथों में क्यों मजाक कर रहे हो सर मजाक नहीं कर रहा हूं अब मरोड़ो अपनी ही गर्दन अपने ही हाथों से मरोड़ो सर मैं हाँ तुम मरोड़ो अपनी ही गर्दन देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई सर मैं भला स्नेहा भाभी का खून क्यों करूंगा देखो जब भी खून तेरे पे पश्चाताप का निशान नहीं दिखता ना तो मेरा दिमाग है ना खोल उठता है समझे आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे सर सर इसने खून किया होगा सर ये स्नेहा भाभी पे शक कर रहा था सर इसने किया होगा खून आता किधर है स्नेहा और गिरीश ने दोनों नाक में दम कर दिया था सर वो हमारे धंधे में दीवार बन के खड़े हो गए थे किस धंधे की बात कर रहे हो तुम सर, हमारा बिजनेस सर कैसा बिजनेस ड्रग्स का ड्रग्स तुम जहर बेचते फिरते हो सर मैनेजर भी सर इसमें शामिल था सर और ये सब गिरीश और स्नेहा को पता चल गया है ना वो दोनों चुप चुप के हम पे नजर रखने लग गए थे मैंने प्लान बनाया कि अखिल भैया को गिरीश और स्नेहा भाभी का चक्कर चल रहा है इस बारे में भड़का दूंगा देखा तुम्हारे भाई के कारनामे फिर क्या हुआ बोल लेकिन अखिल ने तो कमरे में कैमरा लगा दिया था जब तक मैंने फोन कर मैनेजर को बोला तब तक वो दोनों को मार के उनकी लाशें बेड में छुपा चुका था ये सोच के कि कभी मौका मिलने पे उन्हें वहां से निकाल के कहीं और छुपा देगा लानत है तुम पर तुम्हारी वजह से दो दो हंसते खेलते घर बर्बाद हो गए दो दो खून करवाए तुमने और उस मैनेजर ने जेल में सड़ते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें